हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग जो पेपर 2 है बीएड का, ठीक है, पेपर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको आज हम करने वाले हैं। इसका साक्षात्कार जो टॉपिक है वो ये यूनिट 2 का है। यूनिट 2 आपका टॉपिक का जो नाम है वो है टूल एंड टेक्निक, और साक्षात्कार इसका मैंने ये जो आपका टॉपिक चल रहा है ये है आपका मूल्यांकन के उपकरण, ठीक है, मूल्यांकन के उपकरण है। इसका एक पार्ट मैंने आपको ऑब्जर्वेशन मेथड करवा दी हूँ, ठीक है। इसका ये आपका मैंने ऑब्जर्वेशन वाला मेथड जो है अवलोकन विधि, ये आपका मैंने पहले वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, और आज मैं आपको इसका सेकंड जो उपकरण है, इसका जो सेकंड मूल्यांकन करने का तरीका है वो है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, वो आपका आज होने वाला है, ठीक। तो साक्षात्कार इसका क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ सकता है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक। तो साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, साक्षात्कार के मुख्य तत्वों, विशेषताओं, उद्देश्यों, प्रकारों का वर्णन कीजिए। मैं आपको बस इसके जो है नोट्स, डिटेल जो नोट्स हैं वो आपसे आपको शेयर कर रही हूँ। तो उसकी आप जो आंसर का जो पैटर्न भी होगा वो आप ऐसे लिखोगे, पहले उसका अर्थ या परिभाषा, अर्थ लिखने के बाद उसकी परिभाषाएँ जो कुछ विद्वानों ने दी होंगी उसके हिसाब से, फिर उसके बाद आंसर के आगे का पार्ट जो है वो करेंगे। तो पहला है साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, तो साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषा, साक्षात्कार का अंग्रेजी रूपांतर इंटरव्यू है, ठीक है, और जो कि 2 शब्दों से बना, इंटर प्लस व्यू से मिलकर बना है, और इंटर का अर्थ है आंतरिक और व्यू का अर्थ है अवलोकन करना है, तो यानी व्यक्तियों की मनोवृत्ति, अंदर की जो उसकी जो विचार है, मनोवृत्ति है, भावनाएं हैं, आंतरिक विचारों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के लिए साक्षात्कार एक उपयोगी पद्धति है, कि वो व्यक्ति जो है कैसा सोचता है, उसके मन के अंदर क्या विचार हैं, तो हम इसका इंटरव्यू लेकर हम कर सकते हैं। परिभाषाएं देखिए, विभिन्न विद्वानों ने साक्षात्कार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, यानी कि इंटरव्यू को, एम एन बसु के अनुसार साक्षात्कार को व्यक्तियों के आमने सामने किसी बिंदु पर मिलने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि इसमें एक का तो हो नहीं सकता, 2 से ज़्यादा व्यक्तियों का होना जरूरी है, वो आमने सामने बैठकर किसी बिंदु पर उस पर बात करते हैं। उसके बाद है हेडर और लिंडमैन के अनुसार 2 या अनेक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप या मौलिक प्रत्युत्तर को साक्षात्कार कहते हैं, ठीक। उसके बाद है साक्षात्कार के मुख्य तत्व, क्या क्या उसमें एलिमेंट होते हैं, तो साक्षात्कार एक प्रकार का वार्तालाप होता है जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति शामिल होते हैं। उसके बाद है एक सूचना देने वाला और दूसरा साक्षात्कार देने वाला। सेकंड, साक्षात्कार किसी व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से होता है। शिक्षा से संबंधित जो है साक्षात्कार के अंतर्गत, साक्षात्कार लेने वाला, इंटरव्यू लेने वाला प्राय कोई अध्यापक या कोई शोधकर्ता होता है, और जो साक्षात्कार देने वाला होता है, ठीक, जो इंटरव्यू दे रहा है वो कोई छात्र होता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से होता है। साक्षात्कार के दौरान होने वाला वार्तालाप का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित तथा अनुभवी होता है, दूसरे व्यक्ति को सलाह अथवा परामर्श देता है। इसकी विधियाँ क्या हैं, साक्षात्कार संबंधी विधियाँ, तो साक्षात्कार की मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 विधियाँ होती है। एक होता है प्रामाणिक विधि यानी कि प्लान मेथड, और दूसरा है अप्रामाणिक विधि यानी कि अनप्लान मेथड। यानी कि आप नाम से पता चल गया, प्रामाणिक विधि, प्लान मेथड, यानी कि इंटरव्यू लेने से पहले जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो पहले से ही क्वेश्चन प्लान करके रखता है, तैयार करके रखता है, ठीक, और रिटर्न में उसके पास सारे प्रश्न पहले से तैयार होते हैं, और जो क्रम जो सीरीज वाइज क्रम वाइज जो है जो पूछता रहता है, ठीक है, जैसे बच्चों से पूछते हैं पहले से जो क्वेश्चन तैयार होते हैं वो। और अप्रामाणिक विधि नाम से जैसे अनप्लान्ड है, इसमें कोई प्लान नहीं होता है, कोई क्वेश्चन पहले से तैयार नहीं होते, बस आवश्यकता अनुसार जो उस वक्त लगता है उस टॉपिक पर उससे उसके इंटरव्यू लिया जाता है। साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य क्या है, पहला आमना सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, ठीक, दूसरा प्रकल्पनाओं का निर्माण का स्रोत। तो पहले ये है कि आमने सामने बैठकर जो साक्षात्कार द्वारा मनुष्यों की भावना और उसके मूल के बाद अध्ययन किया जाता है, प्रकल्पनाओं यानी कि हाइपोथेसिस का, उसमें प्रकल्प के निर्माण के आवश्यक सामग्री को एकत्रित करना, अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत जो है इसका सामाजिक जीवन संबंधित बहुमूल्य जो है उसका जानकारी प्राप्त करना, ठीक है,
और उसके बाद थर्ड, अवलोकन के लिए अवसर पाना। यदि किसी घटना और जो विषय है सूचना ही नहीं बल्कि अवलोकन करना भी क्या होता है, साक्षात्कार होता है। उसके बाद गुणात्मक तथ्यों का संकलन करना, तो ये आपको पता ही है कि सामाजिक जो तथ्य होते हैं मूल रूप से क्या होते हैं, गुणात्मक होते हैं। ठीक है, व्यक्ति की गुणात्मक या उसके अंदर के विचारों को जाना जाता है, तो वो साक्षात्कार का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के गुणात्मक तथ्यों के बारे में जाना जाए। व्यक्तिगत एवं आंतरिक सूचना संकलित करना, उस इंटरव्यू लेने वाले का उसका व्यक्तिगत जो है और आंतरिक सूचना जो इकट्ठा करना ही साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य है। अब टाइप्स ऑफ इंटरव्यू कितने प्रकार के, साक्षात्कार जो है इंटरव्यूज कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला है सूचनात्मक साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कर्ता विषयों से संबंधित विभिन्न सूचनाएं एकत्रित करता है। और इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य छात्र को भिन्न भिन्न शिक्षण समस्याओं से संबंधित सूचना प्रदान करना है। सेकंड है परामर्श साक्षात्कार। नाम से पता चला इसका उद्देश्य छात्र या बालक के अंतर्दृष्टि उत्पन्न करना है, जिससे वो अपना भला भला खुद सोच सके, अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सके। थर्ड है नियुक्ति साक्षात्कार। किसी भी व्यवसाय या नौकरी में नियुक्ति साक्षात्कार कहते हैं, ठीक है, जो कि एक इंटरव्यू होता है। ज़्यादातर इंटरव्यू हमें यही पता है कि भाई हम जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ पर इंटरव्यू होता है हमारा, फिर वो इंटरव्यू के बेस पर हमें नौकरी पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद निदात्मक साक्षात्कार। इस प्रकार का साक्षात्कार छात्रों के शैक्षिक विषयों, ठीक है, उनकी कमजोरियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। व्यावसायिक क्षेत्रों में बालकों के सही ढंग से समायोजित ना होने एवं रोग के कारणों को जानने के लिए ये वाला इंटरव्यू किया जाता है। उसके बाद है प्रशासकीय साक्षात्कार। इस प्रकार का साक्षात्कार उस समय किया जाता है जब कोई छात्र अथवा कार्यकर्ता प्रशासनिक समस्या उत्पन्न करते हैं। उस समय को दूर करने के लिए साक्षात्कर्ता अथवा प्रशासक साक्षात्कार करता है। अनुसंधान साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य सत्य एवं असत्य की खोज तथा सूचनाओं को एकत्रित करना होता है। और लास्ट आपका जो प्रकार है इसका, वह है प्रवेश साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार मुख्य उद्देश्य किसी छात्र के किसी विशेष शिक्षा कोर्स के लिए अपेक्षित योग्यता को जानना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक इंटरव्यू वाला।